हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाइफ। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारी भारत सरकार ने एक नई ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम यहाँ पे था कोरोना कवच। तो जो कि आपको कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था और उसमें आपकी लोकेशन भी उसमें ट्रैक की जाती थी कि आपके अगर आपके सामने कोई बंदा अगर कोरोना से इन्फेक्टेड बंदा अगर आपके सामने आ जाता था तो वो सारी ऐप जो है वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता था। तो वहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी कि वो ऐप जो है सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको देखने को मिल रही थी, जिसके कारण से बहुत सारे यूजर को जो प्रॉब्लम आ रहा था और कुछ कारणवश जो है ना उस ऐप को है ना जो इतने बंदे ने डाउनलोड कर लिया है उनके पास ही वो डाउनलोड है और बाकी जो नए बंदे जो उसको डाउनलोड करना चाहते हैं वो उस ऐप को डाउनलोड नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैं कुछ ऐप को डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं उस ऐप को यूज़ कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो लोग नए बंदे उस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो उस ऐप को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे भारत सरकार ने एक नई ऐप को यहाँ पे फिर से लॉन्च कर दिया है जो कि आपको प्रॉपर आपको हर लैंग्वेज में जो अवेलेबल है। तो यहाँ पे इस ऐप का नाम होने वाला है आरोग्य सेतु। तो आज की वीडियो में सारा कुछ फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि ऐप आपको किस टाइप से वर्क करती है और इस ऐप में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलती है जो कि आपको पहले कोरोना कवच ऐप में जो नहीं दी गई थी। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को आप एंड तक देखना, और अगर मेरे चैनल पर नया हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक और सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाला है कि यहाँ पे ये जो आरोग्य सेतु ऐप है जो कि पिछले टाइम जो ये ऐप लॉन्च की थी कोरोना कवच ऐप, तो ये ऐप जो है ये कोरोना कवच ऐप का ही यहाँ पे अपडेट वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिस ऐप में आपको 11 आपको डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो आपको मिलने वाली है। तो आज के वीडियो में सारा कुछ फुल डिटेल बताने वाला हूँ कि ये ऐप आपको किस टाइप से वर्क करती है और आप इस ऐप को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, आप इस ऐप को कैसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चलनी चाहिए कि यहाँ पे भारत सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च कर दी गई जिसकी हेल्प से आप अपनी खुद की अंदर के सिम्टम्स वगैरह को आप चेक कर सकते हो और साथ में आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपके सामने कोई कोरोना से इन्फेक्टेड पर्सन आया है या नहीं, यहाँ पे आप क्या उस कोरोना से इन्फेक्टेड पर्सन के सामने आप जा गए हो या नहीं, यहाँ पे वो सारा कुछ है, वो फुल डिटेल जो है वो मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए मैं चले चलता हूँ आपका स्मार्टफोन के होम स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको मेरे स्मार्टफोन के होम स्क्रीन देखने को मिल रही होगी। तब हम आ चुके अपने स्मार्टफोन के होम स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से एक ऐप को इंस्टॉल करना है जो कि यहाँ पे आप सर्च करोगे आरोग्य सेतु। तो यहाँ पे मैंने ऐप को मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो ये ऐप आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं ऐप को जैसे ही मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हूँ तो इस ऐप जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसमें मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो आ गई, इंग्लिश, हिंदी और भी बहुत सारे तेलुगु, मराठी, यहाँ पे सारे लैंग्वेज जो आ गए। तो मैं अपना लैंग्वेज मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना सारा मैं स्टेप बाई स्टेप मैं इसको मैं सारा प्रोसेस मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। तो आप पूरे ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं अपना सबसे पहले मैं अपना लैंग्वेज जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं नीचे जो है नेक्स्ट पे मैं टैप करूँगा। तो नेक्स्ट पे मैं जैसे टैप कर लूँगा तो यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेप इंटरफेस खुल के आ जाएगी जो कि आपको यहाँ पे सारा कुछ इंटरफेस यहाँ पे बताने वाले हैं कि यहाँ पे आपको कैसे यहाँ पे वर्क करने वाली, यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे मेड इन इंडिया, यहाँ पे आप सारा कुछ यहाँ पे बताने वाला है। यहाँ पे आप इसको जैसे स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे भी आपको सारा कुछ यहाँ पे डिटेल मिलने वाला है कि यहाँ पे ये ऐप किस टाइप से कॉलिंग करने वाली है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बता दूँ, ये ऐप जो है आपके स्मार्टफोन की GPS और आपके ब्लूटूथ को यहाँ पे काम में लेने वाली है, जिससे आपको कोरोना से पर्सन कोई भी इन्फेक्टेड बंदा अगर आपके सामने आता है तो ये ऐप जो है वो आपको अलर्ट करते रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी मैं यहाँ पे देख स्टेप बताने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली सब बोला कि इंस्टॉल दी ऐप आपको सबसे पहले यहाँ पे ओपन करनी है, उसके बाद आपसे बोला जाए स्विच ऑन ब्लूटूथ एंड लोकेशन। उसके बाद बोला गया सेट द लोकेशन शेयर एनीवेयर। तो यहाँ पे आपकी जो बोला गया है वहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे सारा आपको गाइड वगैरह बोला गया है कि जब भी आप बाहर जाओ तो यहाँ पे मास्क वगैरह का उपयोग करो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेप इंटरफेस आपको खुल के आ गई है और आपको सिंपल सा यहाँ पे एक रजिस्टर्ड नाव का यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रही है। आप जब भी बाहर जाओगे अपना लोकेशन को ट्रैक करोगे तो यहाँ पे आपको सारा वहाँ पे लाइव लोकेशन दिखाने वाला है। अगर कोई भी बंदे के पास अगर रेड सिग्नल बताता है तो वहाँ पे आप सिंपल समझ जाना कि वो बंदा है जो कोरोना से इन्फेक्टेड बंदा है वो आपको सामने जो आपको दिख रहा है।
तो अब मैं ऐप को मैं रजिस्टर करने वाला हूं, तो यहां पे सिंपल सा मैं रजिस्टर नाउ पे मैं जैसे ही टैप करूंगा तो यहां पे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगी। तो यहां पे टर्म्स एंड सर्विस एंड पॉलिसी प्राइवेसी का यहां पे ऑप्शन आ रही है, तो आप इसे अच्छे से यहां पे रीड कर लेना। यहां पे आप सिंपल सा पूरा डिवाइस लोकेशन को यहां पे ट्रैक करेगा, ब्लूटूथ को यहां पे ट्रैक करेगा, और साथ में आपका डाटा शेयरिंग को भी यहां पे थोड़ा सा ये ट्रैक करने वाला है। तो यहां पे सिंपल सा आई एग्री पे आप जैसे ही यहां पे टैप कर लोगे तो आपके सामने कुछ यहां पे परमिशन आपसे मांगी जाएगी, तो आपको सिंपल सा यहां पे इस ऐप को आपका परमिशन दे देना है। इस टाइम में यहां पे आपको इस पे परमिशन दे देना है, वहां पे आपको सिंपल सा परमिशन देने के बाद आपको अलाउ कर देना है। अलाउ आप जैसे कर लोगे तो यहां पे आपके सामने जो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहां पे मांगा जाएगा, जो आप नंबर यहां पर देना चाहोगे। तो आपके पास जो भी नंबर आपके स्मार्टफोन में पहले जो इन की हुई है, जो लगी हुई है, आपको सिंपल सा वो नंबर यहां पे आपको डाल देना है। तो यहां पे मैं अपना नंबर जो है वहां पे मैं अपना फुलफिल कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर जो मैं फुलफिल कर लिया, उसके बाद मैसेज जैसे मैं सबमिट पे टाइप करूंगा तो यहाँ पे मेरे नंबर पे जो है एक ओटीपी यहाँ पे आने वाली है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पर रजिस्टर नंबर ओटीपी आ गई है, और ये बंदा ऐप जो है ये ओटीपी को ऑटोमेटिक जो है डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपके पास कोई भी अगर डिफरेंट फोन में वो नंबर लगी हुई है तो उस पर ओटीपी आपको नहीं मिलेगी, और ओटीपी मिलेगी भी तो वहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद आपसे कुछ आपको आरोग्य सेतु में आपको जो आपको फुलफिल जो आपको फॉर्म वगैरह देखने को मिलेगी, जो कि आपका नाम एज वगैरह आपका परफॉर्मेंस वगैरह सारा कुछ आपको जो मिलने वाली है उसे आप यहाँ पे अच्छे से फिलफिल कर लेना। तो मैं यहाँ पे अपना नाम वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पर फुलफिल कर लेता हूँ। सबमिट आप जैसे ही कर दोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप इंटरफेस आएगा, यू आर सेफ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यू आर सेफ जो है वो आपको सारा कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, और सिंपल से यहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे एक और आपको इंटरफेस खोल के आ जाएगी, जब COVID-19 हेल्प सेंटर। तो यहाँ पे तो जैसे COVID-19 हेल्प सेंटर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑफ कंट्रीज के यहाँ पे हेल्प सेंटर जो है बिहार स्टेट डिफरेंट स्टेट के आपको जो है यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपको सारा कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप झारखंड के हेल्पलाइन नंबर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरला, यहाँ पे सारा कुछ के आपको जो हेल्पलाइन नंबर मिलने वाले, जो कि आप इमरजेंसी कंडीशन में आप इसका उपयोग कर पाओगे। तो यहाँ पे आप सिंपल सा आई बटन पर टैप करोगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कब आपको ये ऐप को जो है आपको उपयोग करना है, और साथ में आपको इस हेल्पलाइन नंबर का आपको कैसे उपयोग करना है। और साथ ही इस ऐप में सेल्फ असिस्टेंट टेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर सिंपल सा जैसे इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो आपसे चैट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिंपल सा बोला गया, प्लीज नोट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चैट विल बी यूजिंग द मॉनिटरी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द करंट हेल्थ कैरियर ऑफ द रिसर्च। आप देख पा रहे हो एजेंट्स ऑफ COVID-19। तो यहाँ पर सिंपल सा बोला व्हाट इज योर जेंडर, तो यहाँ पर सिंपल सा इस पर आप चैट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं अपना मैं यहाँ पे जेंडर में बता दिया, उससे बोला जाए प्लीज एज योर टाइप, तो यहाँ पे मैं अपना एज में जैसे टाइप करूँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो व्हाट इज योर एक्सिस्टिंग, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि आपको कफ है, फीवर वगैरह आप कुछ भी है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑप्शन वगैरह आप डाल पाओगे, जो कि आप यहाँ पे आपको सारा अपना हेल्थ की इन्फॉर्मेशन आप देख पाओगे। जैसे आपसे बोला व्हाट इज योर टाइप ऑफ फॉलोइंग, क्या आपको डायबिटीज है, या फिर कोई भी आपको लंबी डिजीज है, या फिर हार्ट डिजीज है, या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं, तो मैं यहाँ पे सारा कुछ फुलफिल कर लूंगा। आप बोला क्या ट्रैवल हिस्ट्री आपको 14 डेज में आप क्या बाहर क्या इंडिया से बाहर या फिर कहीं भी आप 14 दिनों के अंदर आपने ट्रैवल किए हो, तो यहाँ से मैं नो कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे डिफॉल्टिंग अप्लाई विद यू, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आप इससे चैट करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ में मैं यहाँ पे लिंक भी दी गई है, इस लिंक पे मैं जैसे ही टैप करूँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर फैमिली वेलफेयर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक्टिव केस वगैरह आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। और ये जो लास्ट अपडेट यहाँ पे थी वो आपको 4/3/2020 की यहाँ पे लास्ट अपडेट आपको देखने को मिली है, जो कि आप देख पा रहे यहाँ पर सारा अपडेट जो है वो आपको हर रोज यहाँ पे अपडेट होते रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पे देखने डिस्चार्ज आप कितने हो गए, डेथ वगैरह कितनी हो गई इंडिया में, वो सारा कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो देते रहता है। और अगर आपके पास कोई भी बंदा कोरोना से इन्फेक्टेड बंदे अगर आपके पास आता है तो ये ऐप जो है वो आपको अलर्ट करता रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप है वो इस टाइप से वर्क करती है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा कुछ फुल डिटेल के साथ में बता चुका हूँ।
ये ऐप को आपको कैसे डाउनलोड करनी है और डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपल सा ये जो है आपको iOS और एंड्रॉयड वर्जन आपको दोनों में ही आपको ये ऐप जो है वो अवेलेबल हो गई है। तो प्लीज़ आप तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रेंड को शेयर करो, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करो। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अपने चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पहले घंटे से और पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल पर टेक्निकल से रिलेटेड एंड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अनबॉक्सिंग के वीडियो चैनल पर लाते रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं कुछ नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।